हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आरके टू चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। हर कोई दारू का नुकसान बताता है कि दारू पीने से ये चीज़ नुकसान होता है, लेकिन मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको नोट कीजिएगा और पूरा समझिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो आज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दारू पीने वाले इंसान दिल के बड़े ही साफ होते हैं और वो बहुत जल्द गुस्सा नहीं होते हैं, उनको बहुत जल्द गुस्सा नहीं आता है। और दारू पीने वाले इंसान दिलदार होते हैं, मतलब किसी से भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाएंगे। दारू पीने वाले इंसान जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। बूढ़े नहीं होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो बूढ़े नहीं होते हैं, वो बहुत जल्दी इस दुनिया से ऊपर चले जाते हैं। मेरा मतलब यह है, वो बूढ़े तक रहते ही नहीं है। दारू पीने वाले इंसान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, अगर वो सच्चे, मतलब सच्चे इंसान है तो। क्योंकि दारू पीने के बाद इंसान तो इमोशनल हो जाता है, उसको चोरी डकैती ये सब तो वो अलग लोग करते हैं, जो दूसरे कैटेगरी के होते हैं या दूसरे तरह के लोग होते हैं। लेकिन जो लोग मतलब सच्चे इंसान है, वो लोग यदि दारू पीते हैं तो दारू नुकसान नहीं फ़ायदा भी करता है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। दारू पीने के बाद इंसान बंगला, गाड़ी, पता नहीं क्या क्या खरीदने की, पूरी दुनिया खरीदने की बात करता है। आप वैसे नॉर्मल इंसान हो और यदि आपने दारू नहीं पिया है तो आपसे वो काम नहीं होगा जो दारू पी करके आप कर दोगे। मेरी बात समझ आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, और मेरे चैनल पे आप नए हो ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और दारू कैसे बनाते हैं इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप जा करके देख लेना, वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप समझ चुके होंगे कि दारू पीने का नुकसान नहीं फ़ायदा भी होता है, और दारू पीने वाले इंसान, मैं ये तो नहीं कहता कि आप दारू पीजिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ को जब लिमिट में करेंगे ना तो वो अच्छा होगा, और लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो वो नुकसानदायक होगा। ऐसा सबको पता है लेकिन वो करते नहीं है। जानते हैं कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। एक आदमी था, वो दुकान पे गया तंबाकू खरीदने के लिए, और तंबाकू खरीदा तो दुकान वाले ने तंबाकू दिया, और थोड़ी देर बढ़ जाता है और फिर वापस दुकान पे आता है और कहता है कि दुकानदार, आपने तो मुझसे ठगी किया है, आपने तो वो वाला दिया नहीं जो ओरिजिनल है। अरे, जो इस पे तो लिखा है कि तंबाकू खाने से खांसी होता है, मुझे तो वो वाला चाहिए ना जिस पे लिखा होता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है, मुझे वो वाला चाहिए। तो जानते सभी हैं कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी खाए जा रहे हैं, लगे पड़े हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं किसी भी दारू या तंबाकू का सहयोग नहीं करूंगा कि आप उसको खाइए ना खाइए। मैं इतना कहूंगा कि हर चीज़ का साइड इफेक्ट है, हर चीज़ अच्छा है तो बुरा भी है और बुरा है तो अच्छा भी है। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको दारू का, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।